एक्सक्यूज मी सर, आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते, नमस्ते। अरे पत्ता आ गई, चल सांबर खिला दी, चल। बिल्कुल सही समय पर आयो, 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इस एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढीठ लोग बुरा भी नहीं मानते। अरे रे रे रे, दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था, उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा, न्याम न्याम। फिर आपके सामने पहुंचा, बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहां बुद्ध मंदिर है, लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है, जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मुझे ऊटी में एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहां सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए, मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है, तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। ए, पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ इस बुढ़े से तलाक ले ले, जाकर एक घर के अंदर एक घर से बाहर। किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा। इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना, कुछ याद है तुम्हें? IAS थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। उनकी एक बेटी भी है, अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। फिर से बेइज्जती। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया, अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा, ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए, क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है, उसकी शादी हुई। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? सुंदर है। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ, म्युनिसिपैलिटी से। म्युनिसिपैलिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, इसी ने तुझे साथ भेजा था। चाचू लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू, वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू, मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया। और वो केस के पेपर्स हैं। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं?
ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल, अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में, अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक, तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम्हें इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों के डायलॉग मत मार वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा स्वीटहार्ट, थैंक यू, लफंगा। ए साहब, आपके पापा की वजह से हम मिनिस्टर बना हो, बताइए का सेवा करें? तूने मुझे 500 करोड़ के टेंडर दिलवाने का वादा किया था, लेकिन तूने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। अच्छा नहीं क्या? कितने पैसे खाए? वो पार्टी को टेंडर देने को आपके पापा खुद हमसे कहे थे। सर, बिजनेसमैन प्रसाद कुमार और उसका बेटा आया है। उसे बैठने के लिए मत कहना। सर, साले को खड़ा रखना। जी। प्रेस का मीटिंग में जाना है, अगली बार वो टेंडर आपको ही मिलेगा, चले जाए। मेरे बाप की सुनेगा, मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ, कल 200 करोड़ भेज देना। बिल्ली रास्ता काटे तो मैं उसे कुचल देता हूँ, तो फिर तुझे कैसे छोड़ूं? हाय, बैठ जाए। रेप और मर्डर केस के लिए आए हो? उसी के लिए आया हूँ। तो तूने रेप किया? हाँ सर। अकेले किया या ग्रुप में? अकेले किया सर। अबे तो मारा क्यों? शाना बनता? मेरे पास तेरा सुनने के लिए टाइम नहीं है। मेरा कीमती टाइम खराब किया तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। जरा एक मिनट। अरे बोला। बाय। छोड़ दो मुझे, ये सब गलत है। प्लीज। कुछ गलत नहीं है सर, ये तो मर गई। ए, मर गई है तो दफना देते हैं, चल पकड़। बात लीक कैसे हुई? न जाने मीडिया को इस बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दे दी। मीडिया की नाक कुत्ते की नाक। अगर कोई नेक काम करे तो न्यूज़पेपर के लास्ट पेज में छोटा सा छापेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की को छेड़ दे तो बार बार न्यूज पर टेलीकास्ट करेंगे और उसे खींच तान के ब्लॉकबस्टर न्यूज बना देंगे और उसे बार बार दिखाकर इंटरनेशनल न्यूज बना देंगे। एक जमाना था जब आप परिवार के साथ न्यूज देख सकते थे, अब तो उस पर भी ये सर्टिफिकेट लगना चाहिए। सुना है विजयवाड़ा में तुम्हारी 300 एकड़ की जमीन है, अभी तक है या बेचती उसे? किसी को नहीं भेजी, मेरे पास ही है। अच्छी बात है, तुम्हारा काम हो गया, जा सकते हो। थैंक यू सर। केस की डिटेल निकाल दो। आपके पापा ने मेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरी थी। कॉलेज घर से बहुत दूर था, इसीलिए उसे हॉस्टल में रखा था। रात को दवाई लेने निकली थी वो, उसे क्या पता था कि उसका रेप करके मार दिया। जालिमों को सजा मिलने से
मेरी बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों का कानून पर भरोसा तो रहेगा। इस केस में मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही करते। मूर्ति जी, जी मैडम, इसी वक्त लॉयर को फोन कीजिए और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस इकट्ठे कीजिए। जुर्म करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, आप चिंता मत कीजिए। सब ठीक ठाक हो गया ना? हो गया एकदम स्मूथली। वहां हमारा वेलकम एकदम अद्भुत था। लड़की सज धज के मेरे सामने आई, बहुत प्यारी है पापा। मेरे पोते ने तो मैदान मार लिया। केले मुंह मीठा कर। पता है मैं उससे जाकर रात को मिला। हाँ। हाय लक्ष्मी। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? वैसे कुछ खास नहीं, हाँ हर रोज दो झगड़े जरूर करता हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कमाते हो? मुझे कमाने की क्या जरूरत है, शराब और जुए के लिए पैसे घर से मिल जाते हैं, मैं बेकार मेहनत क्यों करूँ, इनकम टैक्स का टेंशन क्यों? इसका मतलब तुम एक नंबर के निठल्ले हो। हाँ 100%। और झगड़ा करना ही तुम्हारा जॉब है? हाँ, सिर्फ शौक है, जॉब नहीं। कोई बेवकूफी ऐसे यूजलेस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी? यूजलेस? बिल्कुल सही पहचाना उसने तुम्हें, तुम हो ही ऐसे। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की को देखने जाएगा, लड़की उसे रिजेक्ट करेगी और ये नाक कटवा के आएगा। ए, गणेश के लिए तेरी मोटी बहन राधा कैसी रहेगी? लड़की तंदुरुस्त है, जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बहन एक कली है और ये धरती पर बोझ। मैं अपनी बहन को इस नरक में रोने नहीं दूंगी, ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, समझे? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है, इसमें कमी क्या है? ऑल इन वन है ये। तू किसी की परवाह मत कर बेटा, एक गई 50 मिलेंगी, उससे भी सुंदर ढूंढना, उसे भूल जा, एक नंबर की चुड़ैल थी वो। प्रॉमिस कर तू मेरे लिए अप्सरा जैसी बहू लेकर आएगा। काली चलेगी पर मोटी मत लाना।